हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द फार्मा नॉलेज चैनल टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रैंकुललाइजर्स ओके सो ट्रैंकुलजर इज़ अ इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके सो स्टार्टिंग में आपको ये जो यहां पे ड्रग्स दिए हैं क्लोरप्रोमेजिन प्लस प्रोक्लोरपेराजीन थायोथिक्जीन ट्राई देन ट्राई हेलोपेरिडोल एंड ऑक्सी

फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन ओके इंट्रोडक्शन तो वॉट इज ट्रांकुलाइजर ट्रांकुलाइजर मीन डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए इसी चैप्टर को और एक नेम है एंटीसाइकोटिक ड्रग तो आपको पता होना चाहिए एंटीसाइकोटिक एक्शन मीन्स ट्रांकुलाइजिंग एक्शन ओके सो ट्रांकुलाइजर आर दी एन एस डिप्रेशन विच ब्रिंग अबाउट कमिंग इफेक्ट एंड इंड्यूस द माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने सी एन एस टिमुलंट है ना सी एन एस टिमुलंट मीन्स जो कैफिन है जो एनालेप्टिक ड्रग है उस पर वीडियो मैंने बनाया है ओके लेकिन इस चैप्टर में सी एन एस डिप्रेस करना है ओके मीन्स ट्रैंकुलइजर मीन्स वॉट ट्रैंकुलइजर आदि सी एन एस डिप्रेसेंट विच ब्रिंग अबाउट कामिंग इफेक्ट एंड इंड्यूस माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट मीन्स सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ये चैप्टर भी हमने देखा है ओके okay, सेडेटिव में क्या है स्लीप uh, इंड्यूस नहीं होता है ओके सो दैट इज कॉल्ड सेडेटिव इफेक्ट ओके बट सीएनएस तो डिप्रेस हो रहा है लेकिन स्लीप इंड्यूस हो रहा है क्या विदाउट इंड्यूस स्लीप क्लियर सो ट्रैंक्यूलाइजर ऐसे ड्रग होते हैं जो कि सीएनएस डिप्रेस कर रहा है है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस कर रहा है देन नेक्स्ट सेकेंड लाइन ट्रैंकुलाइजर्स इंड्यूस इंक्लूड्स एंजियोलाइटिक सेडेटिव एंड न्यूरोलेप्टिक्स न्यूरोलेप्टिक्स मीन्स व्हाट जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ओके okay? उसको रिलैक्स करना है डिप्रेस करना है और एंजियोलाइटिक मीन्स जो एंजाइटी है ओके एंजाइटी मीन्स आपको किसी बात के लिए टेंशन है ओके okay, ज़्यादा उसके बारे में उस बारे में सोच रहे हो आप तो एक टाइप का एन्जाइटी आपके मन में एक टाइप का डर रहता है ओके दैट इज कॉल्ड एज एनजाइटी ओके एंड एनजीओलाइटिक मीन्स उसी एनजाइटी को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एन्जिओलाइटिक ड्रग्स है राइट सो ट्रैंक्युलाइजर इंक्लूड्स एनजीओलाइटिक और एनजीओलाइटिक ड्रग का नेक्स्ट एक्शन क्या है न्यूरोलेप्टिक्स सिंपली समझ लो आप स्टार्टिंग में आपको एनजाइटी है सिंपल टेंशन है ओके okay? वो क्या हुआ एंजियोलाइटिक मीन्स उस पर कौन से ड्रग यूज करना है एंजियोलाइटिक ड्रग लेकिन अगर ज़्यादा कोई पेशेंट अगर मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस है तो आपको वहाँ पे ट्रैंकुलाइजर मीन्स सेकेंड ड्रग न्यूरोप्ट ड्रग यूज करने पड़ेंगे मीन्स एंटीसाइकोटिक ड्रग इस सेकेंड इमेज से आपको इजीली पता चलेगा ओके okay. यहाँ पे एक इमेज दिया है देखो फर्स्ट वन इज अ एंटीसाइकोटिक एक्शन सेडेटिव एक्शन देन सेकेंड वन इज अ ट्रैंकुलाइजिंग एक्शन प्लस सेडेटिव एक्शन एंड थर्ड वन इज अ एंटीसाइकोटिक ट्रैंकुलाइजिंग एक्शन एंड सेडेटिव एक्शन इजीली आपको ये पता चलेगा कि सेडेटिव एक्शन तो है लेकिन ट्रैंकुलाइजिंग एक्शन मीन्स जो एनजीओलाइटिक एक्शन है एनजाइटी है ओके एंड देन थर्ड स्टेज में आपको कौन से ड्रग यूज करने है तो ही न्यूरोप्टिकोलेप्टीन्स अगर पेशेंट मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो आपको वहां पे एंजियोलाइटिक प्लस एंजियोलाइटिकाइकोटिक ड्रग यूज करना पड़ेंगे है ना साइकोटिक पेशेंट के लिए ओके okay? सो so, यहाँ पे थर्ड इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी पार्ट देखो एंजियोलाइटिक सेडेटिव आर माइनर एंजियोलाइटिकुलाइजर Used to treat anxiety, agitation and tension, while neuroleptic are the major tranquilizers used in a treatment of psychosis, schizophrenia, mania and dementia. Okay, so easily uh, ये है कि anxiolytic drug means कौन से drug जो कि आपको सिर्फ anxiety है. Okay, किसी भी बात को लेकर आपके मन में डर है. ओके okay, बहुत ज्यादा आप उस बात के बात का टेंशन ले रहे हो दैट इज एनजाइटी घबराहट हो रही है आपको ओके okay? एंजाइटी है वो सो एंजियोलाइटिक ड्रग मींस वो फर्स्ट एक्शन दे रहा है आपको आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मींस वो क्या है माइनर ट्रैंकुलर है एंड मेजर ट्रैंकुलजर मीन्स वॉट फाइल न्यूरोलेप्टिक आर दी मेजर ट्रकुलाइजर मीन्स एंटीसाइकोटिक जो ड्रग है एंटीसाइकोटिक जो ड्रग है दैट इज अ मेजर ट्रांकुलाइजर ओके यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस जो साइकोटिक पेशेंट है मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है मीन्स एनजाइटी का सेकेंड स्टेज क्या हुआ साइकोटिक साइको ओके देन सीजोफेरनिया देन मैनिया एंड डिमेंटिया कोई भी बात उनको रियल जो रियल रियल है वो उनको रियल नहीं लगता साइकोटिक पेशेंट आपको पता है ओके सो रियलिटी वो समझ में नहीं आता है ऐसे लोगों को दैट इज़ अ मैनिया या फिर डिमेंटिया बोल सकते हो आप उनको ठीक है मीन्स रियलिटी क्या है वो समझ में नहीं आता ऐसे पेशेंट को ओके okay? मीन्स क्या रियल है क्या रियल नहीं है ओके दैट इज अ साइकोटिक ओके सो so, ट्रैंकुलाइजर के टू टाइप्स है फर्स्ट वन इज अ मेजर ट्रैंकुलाइजर दैट मीन्स एंजियोलाइटिक डिसीज दैट मीन्स एंजियोलाइटिक ड्रग ओके एंड सेकेंड वन इज अ मेजर ट्रैंकुलाइजर, माइनर और मेजर माइनर मीन्स एंजाइटी जो एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए आप यूज कर रहे हो सिंपल है ओके बट मेजर ट्रैंकुलइजर इज साइकोटिक ड्रग ओके जो कि मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है ट है ओके दैट इज अजर ट्रांकुलर देन थर्ड लाइन अ ट्रैंकुलाइजर इज अ ड्रग दैट एक्ट ऑन दिया एंड इज यूज टू काम एंड डिक्रीज एनजाइटी और हेल्प पर्सन टू स्लीप सिंपल है ट्रैंकुल ड्रग ऐसे ड्रग है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करे है ना काम मीन्स उसको शांत कर रहा है प्लस डिक्रीज एंजाइटी जो भी उसको एन्जाइटी है टेंशन है ओके okay, वो कम कर रहा है डिक्रीज कर रहा है और हेल्प टू पर्सन स्लीप ओके पर्सन ऑब्वियसली सी एन एस डिप्रेस होगा तो स्लीप भी इंड्यूस होगा राइट देन नेक्स्ट लाइन आफ्टर कॉल्ड डिप्रेसेंट बिकॉज दे सप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट मीन सी एन एस एंड स्लो द बॉडी डाउन ऑब्वियसली बॉडी रिलैक्स होगा बॉडी डाउन देन माइनर ट्रांकुलाइजर आर कॉल्ड एज एंटीसाइकोटिक ड्रग ड्रग पे अगर आपको क्वेश्चन आता है ड्यू क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग तो आपको पता होना चाहिए कि ये ड्रग कौन से है जो ट्रांकुलजर में सेकेंड क्लासिफिकेशन है मीन्स जो मेजर

इंपॉर्टेंट इमेज है इससे आपको पता चलेगा व्हाट इज मेजर एंड माइनर ट्रांकुलाइजर ओके देन नेक्स्ट यहाँ पे दो स्लाइड है देखो ट्रांकुलाइजर एंड ड्रग यूज इन साइकोट्रिक इलनेस देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन जो हमने अभी डिस्कस किया ये वही पॉइंट से लेकिन ईजी है तो मैंने आपको आपके लिए यहाँ पे स्लाइड ऐड किया है फर्स्ट देखो फर्स्ट पॉइंट इज अ ड्रग दैट एक्ट्स ऑन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इज यूज टू काम डिक्रीज एनजाइटी और हेल्प्स टू पर्सन स्लीप मीन्स ट्रैंकुलर ऐसे ड्रग है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन दिखाते हैं यूज टू काम एंड डिक्रीज एंजाइटी एंजाइटी डिक्रीज कर रहा है प्लस और हेल्प्स टू पर्सन स्लीप ऑब्वियसली अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा तो स्लीप भी इंड्यूस होगा है ना देन नेक्स्ट सेकेंड लाइन ऑफ्टन कॉल्ड डिप्रेशन बिकॉज दे सप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्लो द बॉडी डाउन ये पॉइंट हो गया पहले यूज टू ट्रीट मेंटल इलनेस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइकोसिस विच Is a behavioral disorder also used in a common anxiety and sleeplessness sleeplessness okay then can cause dependence and certain one can easily be abused then minor tranquilizer are called as anxiolytic and major tranquilizer are called as antipsychotic okay itnagar introduction of kuiadra hitai here we sufficient here okay क्स्ट यहाँ पे आपको ईजीली मीनिंग दिए गए है इसके स्क्रीन शॉट निकाल के आप नोट्स बना सकते हो एंटीसाइकोटिक ड्रग मीन्स वॉट एंटीसाइकोटिक मीन्स न्यूरोप्ट पता होना चाहिए आपको ओके देन नेक्स्ट एंटी डिप्रेशन है एंटी एंजियोलाइटिक ड्रग्स है न्यूरोप्टीन्स वॉट ट्रैंकुलइजर मीन्स वॉट ओके सो मेजर एंड माइनर ट्रैंकुलजर मीन्स वॉट यहाँ पे डेफिनेशन वाइज उन्होंने मीनिंग दिया है सो इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये भी नाउ कमिंग दी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैंकुलाइजर्स नेक्स्ट पॉइंट देखो टाइप्स ऑफ ट्रांकुल्स फर्स्ट वन इज अ मेजर ट्रांकुलाइजर एंड सेकंड वन इज अ माइनर ट्रांकुलर क्लासिफिकेशन के पहले उसके टाइप्स देखो ओके हंड्रेड एंड वन परसेंट इस पे क्वेश्चन आता है फोर मार्क्स के लिए गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांकुलाइजर ओके ब्रॉड क्लासिफिकेशन है मेजर ट्रांकुलजर मीन्स अ ड्रग यूज टू रिड्यूस साइकोटिक सिम्टम्स जो भी साइकोटिक पेशेंट है ओके okay, जो मेंटली डिस्टर्ब है सो so, ऐसे पेशेंट को उनका टेंशन या फिर जो भी साइकोटिक कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए हमें मेजर ट्रैंकुलइजर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एग्जाम्पल इज अ क्लोरप्रोमैजीन देन सेकेंड माइनर ट्रांकुलजर सेकेंड टाइप है ड्रग यूज टू ट्रीट माइल्ड सिम्टम्स ऑफ अ एंजाइटी टेंशन और न्यूरोसिस सिंपल एनजाइटी टेंशन अगर हमें ट्रीट करना है तो उसके लिए माइनर ट्रांकुलाइजर है बेस्ट एग्जाम्पल इज अ डाइजेपा ओके देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांकुलाइजर ओके सो क्लासिफिकेशन में देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांकुलर फर्स्ट वन इज अ मेजर ट्रांकुलर एंड सेकेंड वन इज अ माइनर ट्रांकुलर मेजर ट्रांकुलर में देखो फेनोथायाजीन मीन्स ये कौन से ड्रग है एंटीसाइकोटिक ड्रग अगर आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन आता है फिर भी आपको मेजर ट्रांकुलजर ही लिखना है वहां पे क्लियर सो फर्स्ट पॉइंट इज अ फेनोथायाजिन डेरिवेटिव

है, है यह इजर है अब माइनर क्वेश्चन आ सकता है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोलाइटिक ड्रग्स ओके दैट इज माइनर ट्रांकुलाइजर ओके सो फर्स्ट क्लास डेरिवेटिव मीन इस स्ट्रक्चर में बेसिक रिंग कौन सा है डाइजेपाम क्लियर और उसके डेरिवेटिव में एग्जांपल कौन से हैं डाइजेपाम क्लोर डाइजेपाम देन लोराजेपाम देन सेकेंड क्लास प्रोपेन डायोल डेरिवेटिव देन मायसिलेनियस मेप्रोबामेट इज आल्सो माइनर ट्रैंकुलाइजर, ट्रेंक, ओके एंड लास्ट वन मायसिलेनियस में कौन सा है हाइड्रोक्सी झीन लिथियम कार्बोनेट क्लियर सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ माइनर ट्रांकुलर इस पर क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर ट्रांकुलर या फिर न्यूरोप्ट एंटीसाइकोटिक्रग्स क्लियर एंड माइनर ट्रांकुलर मीन एनजियोलाइटिक ड्रग ओके आप याद रखो क्लियर सो क्लासिफिकेशन टाइप्स प्लस जनरल एंड मेन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ट्रैंकुलाइजर इस वीडियो में हमने देखा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ड्रग ओके क्लोरप्रोमैजिन का स्ट्रक्चर केमिकल नेम प्रॉपर्टीज यूजेस है ना सो so, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू टेक केयर